मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कल ही संसद में रखा गया था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिल माननीय अमित शाह जी ने संसद में प्रस्तुत किए हैं, जो पुरानी अंग्रेजों की मानसिक जो गुलामता के प्रतीक पुराने इंडियन पीनल कोड CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे, ये बिल प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, बाकी वीडियोस में बाद में इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि गुलामी की निशानी से भरे IPC CRPC एविडेंस में एक्ट में न्याय देने के लिए क्या नए तरीके अपनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले कॉलोनियल शब्द को एक तो हटाया गया है जो गुलामी का प्रतीक था। IPC CRPC एविडेंस की जो जटिल प्रक्रिया है उसको सरल बनाने का संसद के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किए गए प्रयास किया गया है। लंबित मामलों में कोर्ट्स जो थी वो ओवरबर्डन थी, बहुत भार था जिससे समय पर प्रकरणों का निकाल नहीं हो पाता था, न्याय में विलम्ब होता था। निर्धन और गरीब वर्ग को सामाजिक न्याय के अनुरूप न्याय समय से नहीं मिल पाता था और न्याय से वो वंचित रह जाते थे। कन्विक्शन का जो सजा का रेट है वो भी काफ़ी कम रहता था, प्रोसिक्यूशन अपने मामले को जो भी प्रस्तुत करते थे, और जेल भी जितनी थी उनमें सजा याफ्ता जो कैदी हैं वो ओवरबर्डन थे, ये समस्या से जेलें जूझ रही थी। इसके अलावा अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भी काफ़ी थी। इन सब बातों से निजात पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिल कल संसद में प्रस्तुत किए गए हैं, पेश किए गए हैं, जो गुलामी की निशानी को दूर करेंगे। इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है, जो CRPC 1973 की जगह लेगा। 2023 का ये बिल है। कुल इसमें 533 धाराएं होंगी और CRPC में पहले 478 धाराएं होती थी, पुरानी CRPC जो ओल्ड 1973 की थी। इसके अलावा 160 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा नई 9 धाराएं जोड़ी गई हैं, 9 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहलाएगा। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड जो लॉर्ड मैकाले के जमाने का मैकाले कोड कहा जाता था उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल रखा गया है, जिसमें 356 धाराएं रखी गई हैं। IPC में कुल भारतीय दंड विधान में 511 धाराएं होती थी और 175 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराएं इसमें निरस्त कर दी गई हैं। तो इस तरह ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिल इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाएगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो साक्ष्य अधिनियम पूरी एविडेंस पर बेस सारा प्रक्रिया सिविल क्रिमिनल की रहती थी, उसमें उसको भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का नाम देते हुए ये बिल प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है, इसमें 170 धाराएँ अब होंगी जबकि पहले 167 धाराएँ होती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। कुल 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 धारा जोड़ी गई है, 5 धाराएं हटा दी गई हैं। तो ये इस तरह ये तीनों जो बिल लाए जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे गुलामी की निशानी वाले चले आ रहे अंग्रेजों के समय के कानून से एक तो मुक्ति मिलेगी, दूसरा ये कॉलोनियल शब्द इनमें हटा दिया गया है, तीसरा इससे लंबित मामले जो ओवरबर्डन है वो जल्दी निपटेंगे, निर्धन सामाजिक वर्ग को जो न्याय में विलंब होता था वो जल्दी सभी वर्गों के लिए न्याय में विलंब भी समाप्त होगा, न्याय से जो लोग वंचित रहते थे उन्हें न्याय मिल सकेगा, कन्विक्शन रेट भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जेलों में ओवरबर्डन जो भी था अंडर ट्रायल कैदी वगैरह और वो सब इससे भी मुक्ति मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भारत की संसद के द्वारा कल की डेट में बिल पास करके किया गया है। मैं इस अवसर पर भारत की संसद को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि एक अंग्रेजों के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे 100-150 साल पुराने कानूनों में ये महत्वपूर्ण संशोधन उनके द्वारा लाए जाकर कानूनों में बदलाव का जो प्रयास किया गया है ये काफ़ी सराहनीय है, और इससे लोगों को जो न्याय से वंचित होते थे, लोगों का दिल दिमाग में ये था कि कोर्ट में जाने से बरसों के रोग हैं, केसेस नहीं निपटते थे, उससे निश्चित तौर पर निजात और छुटकारा मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों चैनल से जुड़े रहिए, आपको नए नए विषयों पर मैं प्रतिदिन कुछ वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ।
और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। मेरे लगभग 25,000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी सब्सक्राइबर का तथा देखने वाले जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं भी किया उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।